से माशाल्लाह देसी लाइफ का अपना ही मज़ा, सुबह सुबह उठ के खेतों में, और इसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो देसी घी के पराठे, साथ में मक्खन, और इसके अलावा लस्सी। और माशाल्लाह से बिल्कुल अभी 7:30 का टाइम है, तो मैं पास में ही कब्रिस्तान था वहाँ से होके अब सीधा मेन स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ, आगे गांव नहीं गया तो वापस घर की तरफ जा रहे हैं। ये रोड, ये खेत, ये खलियान, ये सब्ज़ा, ये किसान जो सुबह सुबह उठ के आके खेतों में पहुँचा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। किसान वैसे भी बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत मेहनत करता है, जो माल मवेशी होते हैं उनके लिए चारा वगैरह बनाते हैं। ये माशाल्लाह फसल पक गई है और कुछ दिनों बाद इसे काट लिया जाएगा। ये सिंगल रोड जो कि हर गांव की शान शौकत होता है, क्योंकि हर गांव में सिंगल रोड ही होता है, तो ये रोड बेहतर होने चाहिए, क्योंकि गांव से जितना भी जो ज़र मुबादला का सामान है वो इन रोड्स के ज़रिए शहरों की मंडियों तक पहुंचाया जाता है। और ये रोड अच्छे ना हो, अच्छा ये रोड अगर अच्छे ना हो तो शहरों की मंडियों तक माल पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा ख़र्चा उठाना पड़ता है। तो माशाल्लाह से रोड अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले बना है, पहले भी थोड़ा बेहतर था, लेकिन अभी ये इसको मज़ीद ठीक करके बना दिया उन्होंने। तो आगे ये छोटी सी नहर आती है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो आगे फिर मेन रोड है, वहाँ से हम रिक्शा पकड़ेंगे सीधा घर। लो जी, ये गांव का को बड़ा है वो जा रहा है, तेरी खैर, सिंगल रोड पे स्पीड से लेके जा रहा है फार्चूनर। अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद दे, एक आधी फार्चूनर हमें भी दे। ये खेतों को काटने के लिए हार्वेस्ट आ रहा है आगे, ये आगे नहर है, आपको नहर भी दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह फसलें पक्की खड़ी हैं, अब इनको थोड़े दिनों में काट लिया जाएगा। तेरी है, थोड़ा गुजरना मुश्किल होगा। इसने तो पूरा से सिंगल रोड था सारा ही कवर कर लिया था, बड़ी मुश्किल से साइड से रास्ता मिला है। लो जी, ये है साढ़े पिंड की नहर जो कि अभी फुल खुशक हुई पड़ी है, पानी है नहीं, और ये थोड़ी खस्ता हाल भी हुई पड़ी है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी। लो जी, अब कुछ यादें शेयर करते हैं, वो आपको सामने सड़क पर कुछ लड़के नज़र आ रहे होंगे जो कि बस का वेट कर रहे हैं कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो अमूमन उनके लिए जो पेरेंट्स हैं उन्होंने रिक्शे वगैरह का इंतज़ाम किया होता है, उनको घर से पिक करते हैं और शहर जाकर स्कूल से वापसी पर वहाँ से पिक एंड ड्रॉप उनकी दी जाती है।